सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनक के साथ आप जुड़े हैं, आपका कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, किस तरह का कैरेक्टर है जब आपको फर्स्ट टाइम आपको सुनाया गया होगा प्रोडक्शन की तरफ से या गरिमा मैम ने बताया होगा आपके कैरेक्टर के। मुझे एक्चुअली जब कैरेक्टर का ब्रीफ आया ना तो मुझे बोला गया था कि तुम आ रहे हो एज अ सुपर जज इस शो में, और जब मैंने पहले दिन यहाँ पे कदम रखा तो मुझे बताया गया कि एक गुरुजी करके कैरेक्टर है जिसके लिए हम आपको देख रहे हैं, तो आप ये कैरेक्टर करोगे। और गुरुजी इज़ लाइक, आपने अगर दंगल देखी है तो उसमें जो आमिर खान सर है उनका जो रोल है एकदम स्ट्रिक्ट फादर, स्ट्रिक्ट टीचर, तो मेरा भी वैसा ही स्ट्रिक्ट टीचर वाला रोल है इसमें। एंड मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, जनक के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, और यही सब चल रहा है। उसके बाद मैं देखता हूँ जनक इज़ वेरी ब्राइट इन डांसिंग, और फिर उसको मैं मोटिवेट करता हूँ कि आप भी, आपको भी मैं ट्रेन करूँगा, और उसी तरीके से जर्नी आगे चल रही है। तो मेरा जो कैरेक्टर है दैट इज़ अ स्ट्रिक्ट टीचर का, गुरुजी नाम है उनका। इस इंडस्ट्री में आप पहले डांसर का आपने किया है परफॉर्मेंस, और अब आप एक्टिंग में आए, तो ऐसा होता नहीं है कि कोई डांसर जल्द से जल्द एक्टिंग में आना या रियलिटी टीवी शो करना या तो फिल्म करने का कोशिश करते हैं या कोई रियलिटी शो, आप क्या कहना चाहिए? सर मैं, मुझे 12 साल हो गए करेक्ट यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इस बीच मैं एज अ डांसर बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे प्यार दिया है। मैंने सोई थिंग यू कैन डांस, डांस प्लस, झलक दिखला जाके 2 सीजन, सरबाज, देश की शान, इंडियाज़ बेस्ट डांसर, डांस दीवाने, जितने भी डांस रियलिटी शोज़ है, जो भी लोग डांस रियलिटी शोज देखते हैं वो मुझे डेफिनेटली अच्छे से जानते होंगे, उनका ढेर सारा प्यार मैंने बटोरा है एज अ कोरियोग्राफर, एज अ कंटेस्टेंट। बट जो मेरा एम है और जो मेरा गोल है और जो मेरा सपना है वो है एक एक्टर बनने का, और जैसे कि मैंने कहा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने का। तो यस, आई एम लिविंग माई ड्रीम, अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत मेहनत करनी है आगे, बहुत आगे बढ़ना है, अलग अलग किरदार निभाने हैं और अपने स्किल्स लोगों तक पहुंचाने हैं, अपना सपना और जीना है। और ट्रस्ट मी, एक डांसर के लिए ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है एक एक्टर बनना, बिकॉज ना एक स्टैम्प लग जाता है आपके ऊपर, अरे ये तो सिर्फ डांस ही करता है, अरे ये तो सिर्फ कोरियोग्राफी करता है, ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो डांसर है, और कहीं ना कहीं आई डोंट नो। और टीवी शो में क्या होता है कि 12-12 घंटे 13-13 घंटे काम करने होते हैं, आप समझ रहे? टीवी शो में 12-12 घंटे काम करना होता है, वैसे ही डांस शोज में भी आप यहाँ पे 12 घंटा करना होता है, वहाँ पे 16 घंटा करना होता है। और ट्रस्ट मी, मैं बाकी किसी को नहीं बताया, किसी को पूछा नहीं, मैं इसके साथ साथ में IBD भी कर रहा हूँ, ओके, इंडियाज बेस्ट डांसर, जो कि आज से सोनी टीवी, हाँ वो मैंने पहले ही ज्वाइन कर लिया था बिफोर साइनिंग दिस। तो आप सोचो यहाँ पे 12-13 घंटे ड्यूटी देने के बाद मुझे वहाँ पर भी जाना है, और मेरी टीम ऑलरेडी लगी हुई है 12 घंटे से वहाँ पे, अब मैं जाऊँगा, मैं वहाँ पे 3-4 घंटे 6 घंटे रिहर्सल करूँगा, उसके बाद मैं 2-3 घंटे सोऊंगा, और उसके बाद वापस मुझे यहाँ पे सुबह आना है, मेरा ऐसा स्केड्यूल होने वाला है अगले 3 महीने के लिए, विच विल बी डिफ़िकल्ट, बट कमिटमेंट कर दिया है तो करेंगे, नो डाउट। बस यही है मेरा कि एज अ डांसर बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपने प्रोफेशन को स्विच करना, बिकॉज लोगों के माइंड में एक प्रस्पेक्टिव बन जाता है आपके लिए कि ये एक्टर नहीं बन सकता है, बट ऐसा नहीं है, डांसर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, तो एक्टिंग कर ही लेते हैं। जिनके साथ आप डांस कर रहे हैं, हिबा वेरी टैलेंटेड एक्टर है, क्रूशियल भी काफ़ी, बहुत ही मतलब वन टेक एक्टर है ये लोग, मतलब एक ही टेक में ये लोग अपना काम करते हैं, अगर आप इट माइट बी नॉट डांस लेकिन एक्टिंग में ये लोग, हाँ तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? मैं यहाँ पे जितने भी एक्टर्स हैं सब माहिर हैं, एंड आई लुक अप टू देम कि करते करते मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए कि मैं भी वन टेक आर्टिस्ट बन जाऊँ, और आई एडमायर देम, मतलब जिस तरीके से वो इमोट करते हैं ना, एक एक फ्रेम आप देखोगे उनकी आंखें इतनी एक्सप्रेसिव होती है, कोशिश करते करते हम भी पहुंचेंगे वहां पे एक दिन, मतलब ऑफ कोर्स देखिए एक्सपीरियंस से ही सीखता है इंसान, आप कितना भी ट्रेनिंग कर लो, आप कितना भी कोर्सेज कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप कैमरा के सामने खड़े होते हो ना आके, वो एक अलग ही माहौल होता है। जो डायरेक्टर भी वो काफ़ी शानदार है, नंबर वन है, माय फेवरेट नंबर वन है वो, मतलब हर एक्टर जो भी करते हैं तो कर, मतलब उनके साथ अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं। एक है ना, मुझे एक चीज़, हाँ तो जो उनके साथ जो भी एक्टर हमारे जो करें,
तो आप क्या कहना चाहेंगे मतलब सर के बारे में? जो हमारे डायरेक्टर है, आई लव हिम, ट्रस्ट मी, ही नोज कि मैं कौन से बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, ही नोज कि मेरा एक्सपीरियंस है, बट ही नोज कि कहाँ पे मैं अटकता हूँ, कहाँ पे एक्टिंग में मुझे दिक्कत आ रही है. एंड ट्रस्ट मी, अगर वो नहीं होते ना तो आई डोंट थिंक सो मैं जिस तरीके से दिख रहा हूँ ये सीरियल में, मैं ऐसा दिखता. बिग सल्यूट टू हिम, जिस तरीके से वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं. आई विल रिमेंबर दिस फॉर लाइफ. मैं चाहता हूँ ये वीडियो उन तक पहुँचे, ठीक है. उन्होंने मतलब लाइक लिटरली एक गुरु, अगर मैं बोलूँ कि आज मैं किसी को गुरु मानता हूँ एक्टिंग में, कि वो मेरे मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, तो दैट इज़ जो हमारे योगेश जी हैं. वो तो है ही है बेहतरीन. लेकिन क्या होने वाला है कि हीबा के लाइफ में आपकी क्या टर्निंग होने वाली, क्या आप रोमांटिक बॉय बनेंगे हीबा के लिए? मैं जाना चाहता हूँ रोमांटिक डांस फॉर्म्स के लिए, रोमांटिक डांस रूटीन्स के लिए रियलिटी शो में. लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, एक टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप है, ऐसा कुछ हमारे बीच में नहीं है. मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ. मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ देखे, ऐसे लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि लव ट्राइंगल होगा या ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर. इट्स प्योर स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप. एंड मुझे रोमांस से बाहर निकालिए और मुझे एक्टिंग पे फोकस करने दीजिए तुम लोग. ओके, लास्टली मैसेज टू योर फैंस. फैंस के लिए मैसेज दे दीजिए आप. बस फैंस को इतना ही बोलूँगा कि अपने दिलों में मेरे लिए जगह बना लीजिए. मैं आ रहा हूँ एज अ एक्टर बन के, एज अ डांसर, एज अ कोरियोग्राफर मैं हूँ, बट वो स्टैम्प मुझे निकालना है, तो वो निकालने में मेरी हेल्प कीजिए. एंड यस, प्लीज़ गिव मी फीडबैक्स. जो भी आप देखते हैं सीरियल में, आपको मैं कैसा लग रहा हूँ, अगर नहीं भी अच्छा लग रहा हूँ तो भी बताओ कि नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा तारीफ करो, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ और ज़्यादा काम करूँ पैशन से. थैंक यू सो मच.